वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर बच्चों, आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, आज मैं एक बहुत बढ़िया अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक, तो 10th क्लास के लिए क्या होगा, अब 10th क्लास का मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पर क्या करूंगा, यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए मैंने। ठीक है, डेली रूटीन में आपकी 30 मिनट की वीडियो आएगी, 30-35 मिनट की वीडियो आएगी अभी। और सबसे बड़ी बात क्या होगा, इसके अंदर क्या करूंगा मैं, मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपका, मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, एक चीज। दूसरी चीज बच्चों, मैथ्स का सिलेबस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपका पूरा बेसिक स्टडी कराऊंगा। ठीक है, पूरा बेसिक कराऊंगा मैथ्स का, उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन होगा। एनसीईआरटी का क्या होगा, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। ठीक है, और उसके बाद इससे असाइनमेंट कराऊंगा, असाइनमेंट फॉर्म में, जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। तो कुछ नहीं करना, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, आधे घंटे के लिए फोन लेना है बस। ठीक है बच्चों, लेकिन बस आधा घंटा फोन लेना है तो खाली पढ़ाई के लिए ही लेना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि, ठीक है, अब सुनो, मैं जहां तक बात करोगे, यहां तक मैथ्स का ये सिलेबस कराने वाला हूँ यूट्यूब पर। एनसीईआरटी का जो आज से मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि भैया चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करा दीजिए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पहले डाला हुआ भी है, मैं दोबारा भी कराऊंगा। ठीक है, उसी कोई दिक्कत नहीं, जिन बच्चों को डाउट होगा वो भी क्लियर करेंगे। चलो बच्चों, बेसिक से स्टार्ट करते, ज्यादा बातें ना करते हुए पहले बताया था क्या करवा रहा हूं मैं, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और क्या होंगी, चैप्टर का नाम है सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो करा चुका हूं मैं, बेसिक वीडियो कराई थी मैंने। ठीक है, 8th क्लास के लिए, वो सॉरी 8th चैप्टर के लिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब स्टार्ट करें आगे। देखो सबसे पहली बात, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पता होने चाहिए। अगर आपको फंक्शन देखने हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक वो तो पता ही होना चाहिए। 8 मिनट की वीडियो है बच्चों, यूट्यूब पर जाकर विकास लखेरा लिख देना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिख देना, आ जाएगा। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा वीडियो के। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैक्सिमम बच्चों को इनमें डाउट रहता है और इन द एंड डाउट ही रह जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले इन एंगल का झमेला देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहली बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी भी चीज को बोलते हैं एलिवेशन, क्या चीज होती है एलिवेशन का मतलब यह है कि आप ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ग्राउंड को क्या बोलते हैं, अगर मैं टेक्निकल वर्ड में यूज करूं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। पहली डेफिनेशन क्लियर होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल के साथ सिंपल एंगल बना दे उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक चीज, दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री, मैंने अगर आप देखे मेरी पिछली वीडियो तो मैं दोबारा बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री कहां पर अप्लाई होती है, ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड, और ज्योमेट्री मतलब एक क्लोज फिंगर, मतलब वहां पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है जहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब ये होता है, जैसे कि मैं बताता हूं, एप्लीकेशन मतलब ये है कि, एप्लीकेशन मतलब ये है कि किस चीज को आप यूज कर रहे हो। ठीक है, एक होता है मेथड, उसके बाद उस चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे प्लस आया तो प्लस माइनस अब हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं भाई मार्क्स कितना है, 5 बच्चों के कितने मार्क्स है, तो 20-20 मार्क्स है 5 बच्चों के, तो भाई 5 बच्चों के तो टोटल कितने मार्क्स हुए, तो सम कर दिया, तो ये एडिशन का एप्लीकेशन हो गया। इसी तरीके से अब ट्रिग्नोमेट्री का हम कहां कहां एप्लीकेशन करते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर ए है, ठीक, यहां पर बी और सी, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या करते हैं, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो डायग्राम यहां पर बन गया, ये तो ए बी सी। अब बात करते हैं, अगर कोई सपोज करो यहां से एंगल फॉर्म करता है ना बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन है, ये देखो, अगर कोई ऊपर से देख रहा है, अगर कोई ऊपर से देख रहा है और कोई एंगल नीचे की साइड देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले बात करता हूं बच्चे, ये वाला जो एंगल होगा ना, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई इसी एंगल के अकॉर्डिंग होगी, इसलिए क्या करते हैं कि ये जेड बन जाता है। क्या बन जाता है, देखो जेड, जेड का मतलब होता है ऑल्टरनेट एंगल, क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल बन जाता है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भी ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो ऊपर से देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आएंगे कि कोई बच्चा नीचे से देख रहा है, 10 मिनट का बेसिक है बच्चों, और मैं कहता हूं ये पूरा चैप्टर बिल्कुल उस बेसिक पे ही चलेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते पहले, नहीं बच्चों 10 मिनट वेस्ट कर लो बस इस पर, वेस्ट का ये कीमती समय है, प्रॉफिट देख जाएगा तुम्हारे को, अच्छा सा लाभ देख जाएगा। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से देखता हो, कोई जो बच्चा ऊपर से नीचे की साइड देख रहा हो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एक चीज। अब इस पूरे चैप्टर में कहानी क्या होगी, पहली बात तो एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, जिस सभी बच्चों को बताया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े होंगे तो उनको नहीं बताया, तो हमें ये करण है, ये लंब है और ये हमारा बेस है, मतलब आधार है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर, बेस का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर, कुछ भी लगा लो, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हिंदी की बात करूं तो करण का स्केयर इज इक्वल टू आधार का स्केयर इज इक्वल टू लंब का स्केयर, ठीक है बच्चों। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, इन ये दो तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए चैप्टर से रिलेटेड। एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जो 8.2 के अंदर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेबल आई थी ना बच्चों, वो टेबल भी तुम्हें पता होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो ठीक है बच्चों। एक तो पहली बात, जो भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है सच्ची में सिंसियर स्टूडेंट है तो ये 2-3 महीने दे दो मुझे, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें मैथ्स के अंदर मार्क्स नहीं दिला दे, तो एक खाली इस ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों, ठीक है एक चीज। दूसरी चीज बच्चों देखो, एक तो कॉपी लेके बैठो और एक एनसीईआरटी की बुक लेके बैठो अभी फिलहाल, ठीक है, और जब वो आएंगे तो मैं पीडीएफ भी बता दूंगा, अभी फिलहाल एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि क्वेश्चन रीड करो ठीक है और क्वेश्चन को पढ़ो, टेबल याद होनी चाहिए। चलो भैया टेबल याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सॉल्यूशन कराएंगे जब 8 चैप्टर अभी कराएंगे स्टार्ट, तब है, अभी फिलहाल क्या करो बुक से देख लेना वैल्यूज, थोड़ी बहुत याद भी हो जाएंगी और थोड़ा बहुत आप पढ़े भी होंगे, ठीक है आगे बढ़े। अब बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारों के अंदर सबसे बड़ा काम ये होगा कि कई बार एक साइड गिवन होगी, खाली एक साइड गिवन होगी, एक साइड गिवन होने के बाद क्या होगा, एक एंगल गिवन होगा, एक एंगल और एक साइड गिवन होगी और हमें कोई दूसरी साइड फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। ये इस पूरे चैप्टर का बिल्कुल छोटा सा बेसिक था कि हमें एक एंगल और एक साइड गिवन होगी, दैट्स ऑल, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने से पहले एक बार देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों अब बात करते हैं कि अब मैं बात कर रहा हूं, पहली बात तो 9.1, ठीक है 9.1 स्टार्ट करिए, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया है बच्चों, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैं उतारना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा पूरे बोर्ड पर, ठीक है, तो एक काम करो क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, ठीक एक चीज। दूसरी चीज, तुम एनसीईआरटी की बुक और कॉपी जरूर लेके बैठो, मैं कहता हूं आधा घंटा मुझे दे दीजिए और मैं तुम्हें दिखा दूंगा डिफरेंस कितना होता है और बच्चों में और तुम्हारे में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। फिर भी बच्चों को कमेंट अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर, और हम जल्द ही अगर 100 बच्चे होते हमारे पास, एक तो सबसे पहली बात वीडियो को लाइक कर दे तुरंत, क्वेश्चन समझ में आया और कंसेप्ट समझ में आया भैया का तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, एक चीज। दूसरी चीज, अपनी सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि हम इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। और तीसरी चीज बच्चों, ये जरूर करना, अपने जितने भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को बताओ क्लास के बारे में और शेयर करो, जितना हो सके ग्रुप के अंदर शेयर करो, ठीक है बच्चों। जितना ज्यादा शेयर करोगे वीडियो को उतना फायदा मिलेगा और लाइक मिलेंगे, इससे क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मैं कोशिश रहेगी पूरा, अगर तुमने साथ दिया तो जरूर मैं गारंटी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पूरा 10वीं का सिलेबस अच्छे से करा दूंगा। चलो भैया मैं पहला क्वेश्चन रीड कर देता हूँ बच्चों, मेरे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सर्कस आर्टिस्ट इज ए क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब 20 मीटर की रस्सी है, ठीक है 20 मीटर की रस्सी है, विच इज टाइटली स्ट्रेस एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो बच्चों क्या कहता है, मैं बता देता हूं, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक है सर्कस का आर्टिस्ट है बच्चों, सर्कस का आर्टिस्ट क्या करता है, देखा वो उन्हें सर्कस में ऐसे 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 रस्सियां क्लाइंब होती है, कैसे कैसे रस्सियां क्लाइंब होती है, देखो मैं बना देता हूं डायग्राम, मैं लिख रहा हूं यहां पर सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है बच्चों एनसीईआरटी का। देखो ये मैंने थोड़ा बहुत हिंट लिखा हुआ है ताकि तुम्हें यहां से समझ में आ जाए, अगर तुम्हें मैं बोल रहा हूं मैं एक एक क्वेश्चन की एक लाइन रीड करा के अच्छे से समझाऊंगा। एक सर्कस है, ठीक है सर्कस का एक पोल है ये, ठीक पोल लिखा हुआ है, ये पोल है, इस पोल पर एक रस्सी स्ट्रेस है, ठीक है बच्चे एक बात कहता हूं एकदम बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं हो सकती लेकिन मैथ के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं, और इसने लिखा भी है
टाइटली हेड, मतलब टाइटली क्या है, क्या कहते हैं, स्ट्रेस्ड है, मतलब इसके अंदर कोई बल नहीं है कि ऐसे कई बार रस्सी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल टाइटली है, एक स्ट्रिक्ट डिस्टेंस बना रही है, तभी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करता है कि कितने मीटर की रोप है वो, ये रस्सी है, यहां से बांधते हुए पोल पर बांध दी, तो कितने मीटर की, 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है बच्चों, ए बी सी, ये हो गया अपना डायग्राम। अब सुनते हैं, एक चीज और लिखी है मैंने, देखना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सबसे पहले क्या काम करोगे तुम, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है, इस पर क्या लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। बच्चों इतना ध्यान रखना, बिल्कुल इजी वे में समझो कि एंगल बना रहा है किसके साथ बना रहा है, रोप, रोप एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल के साथ, ग्राउंड ये है, ग्राउंड, ग्राउंड को मैंने बोला ना हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड है, ठीक है, इसके साथ एंगल बना रहा है, और कितना एंगल बना रहा है, लिखा हुआ एंगल इज 30 डिग्री, मतलब यहां पर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी हो गया, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन सही है, फाइंड द 20 मीटर लॉन्ग रोप है, फाइंड द हाइट, इसकी हाइट निकाल दी है। ठीक, मैं कहता हूं सबसे पहली बात तो ये बताता हूं, एक होता है फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी, इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बच्चों ने काफी ट्रिक बनाई है, आप भी बना लेना, पी अपॉन एच इसे बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा, बी अपॉन एच इसे क्या बोलते हैं, कोस थीटा, और पी अपॉन बी इसे क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अगर मैं इसका अपोजिट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और इसका करूंगा तो सेक थीटा, और इसका करूंगा तो मैं कोट थीटा हो जाएगा। पहली बात तो सभी स्टूडेंट को ये चीज पता है, कॉपी में उतार लीजिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक करने बैठे एक बार इसको लिख ले बस, ठीक है, ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों एक चीज मुझे समझ नहीं आ, ये देखो हाइपोटेन्यूस किसके अंदर है, इन दोनों में, ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो साइन थीटा ले कोस थीटा ले क्या ले, देखो एक्स किसके अंदर हाइपोटेन्यूस, इन दोनों में से, ये हमें गिवन है, चलो भैया एक वेरिएबल तो ले लेंगे, निकालना क्या है, निकालना हमें परपेंडिकुलर है, मतलब ये निकालना है, तो भाई इसी के अंदर रिलेशन बैठा है, ये वाला रिलेशन आ रहा है पी बाई एच, ठीक है, तो मैं क्या लूंगा पी बाई क्या होता है साइन, साइन थीटा अपोन में पी अपोन एच, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब सुनो थीटा दे रखा है साइन 30 डिग्री, पी कितना दे रखा है, पी पी परपेंडिकुलर निकालना है, पी को पी रहने दो, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है बच्चों, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है बच्चों, 20 दे रखा है, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि साइन 30 की वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी, साइन 30 की वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी तो तुम फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। और एक चीज और है बच्चों, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं इन क्वेश्चन को करूं सोल्व तो कुछ वैल्यू याद करनी है आपको, कौन कौन सी याद करनी है मैं बता दूंगा, रट लेना बच्चों, 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, और साइन की ही 30 डिग्री, और साइन का ही 60 डिग्री, और कोस का भी, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर एग्जामिनर पूछता तो इन्हीं के आसपास रहता, और एक 45 भी, ठीक है। तो ये बच्चों याद रख लेना इनकी वैल्यूज, बस इनका रट्टा मार लेना, मेरे हिसाब से इन्हीं में से आ जाती है रट्टा, तो क्या मैं तुम्हें टेबल बनाने की सिखा दूंगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में रट्टा वर्ड है ही नहीं, ठीक है बच्चों, मेरी डिक्शनरी में रट्टा वर्ड है ही नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल कंसेप्ट वाइज समझाते चलूंगा, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू मुझे बताएगा कोई बच्चा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, देखो साइन 30 कैसे याद करोगे, साइन 30 कैसे आया, देखो सबसे पहली बात cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है हाफ, क्या होता है cos 60 हाफ होता है, तो अगर cos 60 हाफ है ना तो ऑटोमेटिकली साइन 30 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रख लेना, ये अपोजिट होती है एक दूसरे की वैल्यू, तुम्हें थोड़ी थोड़ी ट्रिक बताता रहूंगा बीच बीच में, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 पी अपॉन 20, ठीक है, पी अपॉन 20 आ गया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, और 10 कितना आ जाएगा, 10 मीटर, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर नाम क्या था हमारा, बीसी, बीसी निकालना था, बीसी कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 मीटर। अब बात करते हैं कि 10 मीटर आ गया, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीड करें, अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं किया हो, सबसे पहली बात लॉन्ग रोप दे रखी है, ठीक है, हाइट दे रखी है, हाइट निकालनी है, ठीक है, एंगल गिवन है, कुछ नहीं करना, रिलेशन ऐसा देखना है बच्चों जिसमें एक गिवन हो और एक फाइंड आउट करना हो, तो रिलेशन देखा मैंने पी अपॉन एच, ठीक है, कितना देखा, पी अपॉन एच। अब बात करते हैं पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा,
पी एच अपॉन में साइन थीटा। बच्चों थोड़ी से ना जो आवाज है ठीक है इसको थोड़ा इग्नोर करना, कई बार आवाज ज्यादा आती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं तो एक बार सुन लो। पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ठीक है, रिलेशन यही आया पी अपॉन एच, तो ये रिलेशन आ गया साइन थीटा का, और यहां पर तो आप वैल्यू पुट कर लेना ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे थे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड ठीक है, और है ना अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। भाई पहली बात तो इंग्लिश इतनी, देखो सुनो क्या बोला हुआ है कि वो आ गया क्या कहते हैं तूफान आ गया, एक ट्री बना हुआ है ठीक है, ये ट्री बन गया, तूफान आ गया, तूफान आते ट्री टूट गया, ट्री टूटकर ऐसे गिर गया ठीक, इसका मतलब तो ये है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द 30 डिग्री एंगल, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बच्चों देखो क्वेश्चन रीड कर लिया है, क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम्हें क्या है, मैं तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे को तो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन बोलता है। देखो एक पेड़ है, ये पेड़ है ठीक, ये पेड़ है, ये पेड़ बीच में से टूट जाता है, क्या करता है ये पेड़ टूट जाता है, तो टूट जाता है तो यहां पर ये ऐसे गिर जाता है, क्या गिर जाता है ये ऐसे गिर जाता है, ये पेड़ क्या गिर जाता है ऐसे गिर जाता है ठीक है। देखो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बनाता है जब ये पेड़ गिर जाता है तो ठीक है, तो मैं इसको भी अब क्या कर दूं, ये तो यहां पर आएगी तो मैं इसको क्या कर देता हूं डॉट डॉट डॉट, क्योंकि पेड़ तो पूरा था ना, ये देखो ये मैंने पेड़ बना दिया ठीक है, ये पेड़ पूरा था। अच्छा जी ये डॉट डॉट क्यों होगा, ये तो पूरा पूरा होगा क्योंकि ये पेड़ तो रियलिटी में ही है, लेकिन टोटल ये था। अच्छा जी ए बी सी और डी ये हमारा क्या है पेड़ है, इसको एक बार अच्छे से बना देता हूं मैं ठीक, मैंने तो पेड़ बनाना नहीं आता भाई ठीक है, ए बी सी डी ठीक है बच्चों, ए बी सी डी है जैसा भी है तैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, बच्चों जिसको फुट का मतलब पता ना आधे क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो गए, फुट का मतलब होता है पांव, क्या होता है पांव, किसका पांव चाहिए इसको, इसको पांव चाहिए ट्री का, ट्री का पांव ये रहा ठीक है भाई, टू द पॉइंट मतलब ट्री के फुट से पॉइंट, पॉइंट जा रहा है कहां तक, वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड, जहां पर वो पेड़ है ना टच कर रहा है, जहां पर वो पेड़ टच कर रहा है वहां पर कितना कितना डिस्टेंस दे रखा है इसने, डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर, कितना दे रखा है 8 मीटर। लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब कुल मिला के बच्चों देखो कई बच्चे क्या करते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल देते हैं बस, नहीं देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं निकालना बच्चों, देखो ट्री तो पूरा था ना तो टूटा हुआ भी गिरा ही गिरा, तो मतलब कुल मिला के ए बी और एक ये भी निकालना है ठीक है, मतलब ये हाइपोटेनस ये भी तो हमारा पेड़ ही है टूटा हुआ, तो ये पूरा डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो मैं लिख देता हूं जो हमें निकालना है लेंथ, लेंथ ऑफ ट्री। अच्छा जी एक चीज और मैं बता देता हूं सुन लो, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए क्लर्क वगैरह के ठीक है, और हरियाणा पुलिस का भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, तो उसके अंदर भी पूरी टेंथ की मैथ पूछी जा रही है, आपने देखा होगा वेक्टर वगैरह 11, 12, 10 के अराउंड रहता है, और जो अभी लास्ट के दो एग्जाम हुए क्लर्क की बात बता रहा हूं, लास्ट के 2-3 शिफ्टों में उसके अंदर तो प्योर पूरा पूरा टेंथ का मैथ दे रखा था बच्चों, तो क्या करना है कि स्टूडेंट्स मैं कहता हूं वो तो मेरे कलीग ही होंगे एक तरीके से ठीक है, जो कलर वगैरह एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी बोलूंगा ये वीडियो देखें, क्या करो आप इसकी स्पीड बढ़ा लेना ठीक है, मैं पूरा कोर्स डाल लूंगा स्पीड बढ़ा लेना, मुश्किल से आधा आधा घंटे की कितनी वीडियो हो जाएगी टेंथ के पूरे कोर्स की ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करना बच्चों और शेयर भी करना ठीक है इस वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, और बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, जिनका जीरो है ना मैं उनके लिए भी बिल्कुल एकदम बढ़िया, जिन्होंने आज तक पढ़ाई नहीं मैं ठीक है, तो उनके लिए भी वीडियो शेयर कर देना, हरियाणा पुलिस के लिए भी क्लास है एक तरीके से, हरियाणा पुलिस हो गई जितने भी आगे हरियाणा के एग्जाम आने वाले सभी के लिए, लेंथ ऑफ ट्री निकालनी है तो एसी, और एक सबसे बड़ी बात बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही फॉलो होते हैं वहां पर क्लर्क के अंदर भी और उसके अंदर भी, बच्चों कह रहा हूं मैं तो कल ही बोलूंगा ठीक है, मेरे फ्रेंड्स उन्हीं के साथ ही क्या है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं, आप उठा के देख लेना क्लर्क का इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप थर्ड चैप्टर देख लेना पॉलिटिक इक्वेशन उसके अंदर से क्वेश्चन आए हुए साफ साफ बिल्कुल एज इट उतार कर ठीक है एनसीईआरटी का। देखो ए सी और बी सी ये लेंथ निकालूंगा जब पूरी टोटल ऑफ लेंथ ट्री आ जाएगी हाइट ऑफ द ट्री ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो
सबसे पहली बात मैंने लिखा हूं टी अपॉन में एक्स, ये क्या है मेरा साइन थीटा है और ये क्या है मेरा कोस थीटा। देखो किस इसके रिलेशन गिवन क्या है, गिवन देख लो एक बार, गिवन क्या है बेस गिवन है, बेस पकड़ो कहां का है, दोनों जगह बेस है ठीक है, ठीक है बेस गिवन है। उसके बाद बात करते हैं ये चीज फाइंड आउट करनी है, इससे ये फाइंड आउट कर लो चाहे ये फाइंड आउट कर लो एज वेल बेस। तो पहले मैं ये फाइंड आउट कर लू, तो ये गिवन है तो ये कब गिवन है, ये मेरा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कहां पर है, परपेंडिकुलर ये रहा और परपेंडिकुलर कहां पर ये रहा, तो बी अपॉन बी, बी अपॉन बी, तो बी अपॉन बी क्या होता है, मैंने देखो ये लिखा हुआ टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी, तो पी कितना है, पी तो है ही नहीं हमारा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बी सॉरी एसी, क्या लिख देता हूं एसी अपॉन में बेस कितना मेरा एट और टेन थर्टी डिग्री, ठीक है टेन थर्टी डिग्री। अब बात करते हैं टेन थर्टी की डिग्री की वैल्यू कितनी है, ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि देखो क्या है टेन थर्टी की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और एक चीज मैं और बताने वाला था बच्चों, देखो तीन चार वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, एक तो टेन थर्टी कर लो ठीक है, साइन सिक्सटी की कर लो और साइन थर्टी की कर लो, टेन थर्टी टेन सिक्सटी टेन फोर्टी फाइव ठीक है, इनकी वैल्यूज आप याद कर लेना ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी है वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री और ए सी अपॉन में एट, ये एट उधर चला जाएगा तो एट अपॉन रूट थ्री ए सी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी ए सी की। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे भैया रूट के अंदर ये किसके अंदर आएगा, ये सेंटीमीटर में आ गया क्योंकि यूनिट लिखी नहीं है, तो आप यूनिट लिख सकते हो, आप ए सी की वैल्यू क्या लिख दोगे, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू एट बाई रूट थ्री यूनिट। अब बात करते हैं ये याद बात नहीं होगी, अब बात करते हैं इसके, अब मैं इसको ले लेता हूं इसको, तो किस किस रिलेशन निकलेगा, ए बी मतलब बेस हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बच्चों कोस, कोस थर्टी की थर्टी लिख दूंगा, कोस होता है ना देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाई टू, तो बेस कितना है बेस एट, बेस कितना है एट और बीसी क्या हमारी हाइपोटेनियस। समझ में आ गया बच्चों क्या करा मैंने, कुछ नहीं किया, सबसे पहली बात तो जो चीज गिवन होती है वो देखो और जो चीज गिवन नहीं होती वो देखो, देखो बेस हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस रिलेशन किस पे है कोस थीटा पे है, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो दैट्स ऑल ठीक। अब कर रहे हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी सी रूट थ्री इक्वल टू, बी सी रूट थ्री इक्वल टू एट इंटू टू और ये कितना आ जाएगा बी सी, बी सी अपॉन में सिक्सटीन अपॉन में रूट थ्री यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यूनिट आ जाएगा, यहां तक बात क्लियर है, दोनों आ गई। तो ट्री की वैल्यू निकालनी थी, एसी की वैल्यू कितनी है एट बाई रूट थ्री और बीसी की कितनी है सिक्सटीन बाई रूट थ्री, ऐसे हम ले लो बच्चों कितना आ गया रूट थ्री और ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ठीक है। अब ये रूट थ्री है, नीचे कभी भी रूट थ्री नहीं छोड़ते, तो मैं ट्री की लेंथ लिख देता हूं, लेंथ कहां तक दिख रहा होगा आपको मेरे को, चलो एक बार बात कर लेते हैं, सुनो इसको है ना रैशनलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं रैशनलाइज कर देते हैं ठीक, रैशनलाइज कर दिया, अगर रैशनलाइज कर दिया तो इसके बाद क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दिया तो 24 आ गया, कभी भी रूट नीचे नहीं छोड़ते ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इनटू ये नीचे में क्या लगेगा ये ठीक है और ये किससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा एट रूट थ्री, किसकी हाइट आ जाएगी ट्री की और यूनिट लिख देना आप यहां पर, ट्री की हाइट कितनी आ गई एट रूट थ्री, तो ट्री की हाइट लिख देता हूं मैं एट रूट थ्री यूनिट ठीक है बच्चों। एक बार एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ठीक है और उसके बाद इस क्वेश्चन को उतार लेना अच्छे से समझ समझ के उतारना बच्चों। स्टेप कैसे है, पहले मैंने क्या किया इन दोनों को लिया टेन थीटा से कंपैरिजन करा, यहां से वैल्यू रूट टेन थर्टी की वैल्यू रखी, यहां से एसी आ गया, फिर मैंने यहां पर बीसी निकाला कोस थर्टी ठीक, यहां पर ये दोनों आ गया, दोनों को ऐड करना था क्योंकि लेंथ ऑफ ट्री निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्री निकालने के दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई एट रूट थ्री, ये हमारी किसकी है ट्री की वैल्यू है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं ठीक है, अब बात करते हैं वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में, आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं बच्चों ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार ठीक है, भाई उतारूंगा तो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये ठीक है, बट इजी इतना है कि बस पूछो मत, एक बार समझना है बस तुम्हें, मैं गारंटी कहता हूं एक क्वेश्चन में अगर तुम्हें कभी जिंदगी में दिक्कत आ जाए तो। मैं पढ़ देता हूं मेरे क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक जो है ना वो है क्या नाम है ठेकेदार है, वो क्या करता है प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स
फॉर द चिल्ड्रन टू पे इन पार्क, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड हूज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। पहले मैं इतना लिख लेता हूं इसने क्या क्या बोला है। देखो मैं लिखता हूं फोर, 5 ईयर, 5 ईयर के बच्चे है, छोटे बच्चे है, ठीक है, तो उसको ठेकेदार ने क्या करा, ठेकेदार ने एक 5 साल के बच्चे के लिए क्या बनाया, एक झूला बनाया जो पार्क में तुम देखते हो, ठीक। वो झूला कैसा बना होता देखा भी होगा बच्चों आपने, झूला ऐसे बना होता देखा होगा ना, झूला ऐसे बना होता है यहाँ पर चढ़ते हैं बच्चे और यहाँ सीढ़ियां बनी होती है, ठीक है, बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से चढ़ते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते ए बी सी, तो 5 ईयर के लिए बोला क्या क्या गिवन है। एक तो सबसे पहली बात एंगल कम होगा, ज्यादा एंगल होगा तो बच्चा ज्यादा ऊपर से आएगा, वो और डर लगेगा, एक चीज तो 30 डिग्री का एंगल है, ठीक। और लिखा हुआ इसके अंदर कि 5 ईयर का है हाइट ऑफ, हाइट भी इसकी कम होगी, हाइट इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। बच्चों एक तो डाटा ये गिवन है फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, समझना की बात। क्या बोला हुआ है, एक ठेकेदार है उसने एक झूला बनाया पार्क के अंदर, वो झूले की जो स्लाइड होती है इसको स्लाइड बोलते हैं बच्चों, जो घिसता है जिस पर घिस बच्चा मतलब एक तरीके से रुके ना, फ्रिक्शन लेस, ठीक, स्लाइड हो गया, एंगल 30 डिग्री एंगल बनाता है वो, ठीक है, और इसकी हाइट है 1.5 मीटर बच्चों, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, स्लाइड की हाइट फाइंड आउट करनी है, या डिस्टेंस, हाइट नहीं सॉरी डिस्टेंस, स्लाइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इट मीन यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ठीक है। सेकंड केस क्या बोलता है, सेकंड केस भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड केस में बोलता है कि कितने साल का बच्चा है, अब आगे बढ़ता हूं मैं, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब अब बड़े बच्चे आ रहे हैं, सी वॉन्ट्स टू हैव स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग भाई बड़े बच्चे हैं तो उनकी उसकी झूले की हाइट कितनी होगी, 3 मीटर बढ़ा दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मतलब ईच केस का मतलब यह है कि हर केस के अंदर स्लाइड की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इस बार है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर, और स्लाइड कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो मैं इसको भी दोबारा एबीसी दे देता हूं, ठीक है, या फिर पी क्यू आर दे लो एज योर विश, पी क्यू आर। बच्चों ये डायग्राम बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप टीचर को प्रेजेंट करना चाहते हो ना कोई क्वेश्चन, तो सबसे बढ़िया इजी वे है टीचर को समझाने का तरीका, ठीक है। स्लाइड फाइंड आउट करनी है तो स्लाइड पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। देखो मैं वही लिख लेता हूं पी बी पी एच एच बी, तो ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा, ये बच्चों ध्यान रख लेना एक बार। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, जो चीज गिवन है उसको पकड़ते हैं। देखो जो चीज गिवन है, मेरे पास गिवन है हाइट 1.5 मीटर, हाइट किस किसके अंदर है, हाइट कह रहा हूं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किस किसके अंदर है, परपेंडिकुलर ही था, ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है। चलो भैया अब बात करते निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, हाइपोटेन्यूस किसके अंदर गिवन है, एच के अंदर, तो कुल मिलाकर बात आ गई पी अपॉन एच आ जाएगा, और ये क्या होता है, ये हमारा साइन थीटा होता है, क्या होता है हमारा साइन थीटा। पी कितना हमारा गिवन 1.5, हाइट ये हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है, एसी गिवन नहीं है ना, साइन अब यहां पर क्या पुट कर दूंगा मैं, थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 30 डिग्री, तो 1.5 अपॉन एसी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितनी है बच्चों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है 1/2, और एसी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितनी आ जाएगी एसी की वैल्यू, 1.5 को 200 गुणा करेंगे, डेढ़ गुणा डेढ़ कितना होता है 3, और यूनिट मीटर की बने इसमें, ठीक है, तो यूनिट देख लेना बच्चों, यूनिट ना हो तो यूनिट लगा देना खाली, इस पर लिखनी है यूनिट की, UNIT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर कुछ नहीं है, देखो फिर दोबारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन वहां पर है, ये रहा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना है 3, और ए ये कितना, हाइपोटेन्यूस कितना हमारा आरपी, कितना गिवन है आरपी, और ये कितना है साइन 60 डिग्री, ये सेकंड केस की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आरपी 3 आरपी 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं तो आरपी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 × 2 / √3,
और ये इतना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6 अपॉन √3, और इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3 अपॉन √3, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 6 √3, और इन दोनों को इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये से कट जाएगा, तो हमारे आरपी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2√3 मीटर। बच्चों ये आपके दो आंसर आ गए, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, ये आप देखना जरूर और समझना भी, ठीक है। क्वेश्चन